महेंद्र सिंह धोनी और उनके फैंस के लिए एक बेहद बड़ी खुशखबरी आई है कि जिस इंजरी से, जिस चोट से एमएस धोनी लगातार आईपीएल 2023 के सीजन में जूझ रहे थे, परेशान हो रहे थे, उन्होंने उस चोट का इलाज करवा लिया है। अपनी टीम को पांचवा खिताब जिताकर एमएस धोनी अहमदाबाद से मुंबई आए थे, जहां उन्होंने गुरुवार को बड़े ही मशहूर सर्जन से, डॉक्टर दिनशा से कंसल्ट किया और उनसे सर्जरी करवाई कोकिलाबेन अस्पताल में। हमने देखा था कि किस तरह एमएस धोनी पूरे ही सीजन अपनी नी की, अपने लेफ्ट नी की चोट से जूझ रहे थे, परेशान कर रही थी उन्हें ये चोट, लेकिन उन्होंने ये चोट का असर, दर्द अपनी कैप्टेंसी में और अपने बिहाइंड द विकेट स्टंपिंग में नहीं महसूस होने दिया। उन्होंने एक बेहतरीन कैप्टेंसी करके और फाइनल में गुजरात टाइटन्स के खिलाफ अपनी टीम को पांचवा खिताब दिलवाकर एक तरह से गिफ्ट दिया है। और एमएस धोनी ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के दौरान जो बात कही है, उससे लग रहा है कि एमएस धोनी अगले साल भी एक आईपीएल सीजन और खेल के अपने फैंस को एक तरीके से गिफ्ट देना चाहते हैं। उन्होंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के दौरान कहा कि हालांकि उनके पास डिसाइड करने के लिए 7-8 महीने हैं, लेकिन उनकी बॉडी फिटनेस पे भी सब कुछ डिपेंड करेगा कि उनकी बॉडी साथ देती है या नहीं, उनकी बॉडी उन्हें नेक्स्ट ईयर भी खेलने की अनुमति देती है या नहीं। उन्होंने अपने फैंस को लेकर कहा कि नेक्स्ट ईयर में वापस आना चाहूंगा और गिफ्ट देना चाहूंगा, ये मेरे लिए एक टफ टास्क रहेगा, लेकिन मैं अपने फैंस के लिए करना चाहता हूँ, दे डिजर्व अ गिफ्ट फ्रॉम मी। उन्होंने कहा कि द वे दे हैव शोन देयर लव एंड अफेक्शन, आई थिंक दैट समथिंग आई नीड टू डू फॉर देम। मुंबई में कोकिलाबेन अस्पताल में एमएस धोनी की जो लेफ्ट घुटने की सर्जरी हुई है, उसकी खबर सीएसके के सीईओ विश्वनाथन ने बताया कि उनकी सक्सेसफुल सर्जरी रही है। और एक और सोर्स जो सीएसके मैनेजमेंट के काफी करीब है, उन्होंने बताया कि सीएसके के कप्तान एमएस धोनी एक दो दिन के बाद डिस्चार्ज होंगे और कुछ दिन के लिए रिहैबिलिटेशन प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले कुछ दिन के लिए अपने घर पर ही आराम करेंगे। और जिस तरह से एमएस धोनी ने बिल्कुल भी देरी नहीं की, आईपीएल खत्म होने के 2-3 दिन बाद ही उन्होंने सर्जरी करवा ली है, और जिस तरह से उन्होंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बोला है कि वो गिफ्ट देना चाहते हैं, तो लग रहा है 100% चांसेस हैं कि वो नेक्स्ट ईयर भी खेलेंगे, क्योंकि अभी सर्जरी उन्होंने करवा ली है एंड ही हैज द होल ईयर टू रिकवर। तो हो सकता है कि हम अगले साल भी धोनी को कप्तानी करते देखें।